दोस्तों, नेचर इज द गॉड, यानी कि प्रकृति ही भगवान है। देखिए दोस्तों, स्वस्थ रहने के लिए प्रकृति माता ने हमको बाहर से खाने के लिए चीजें बनाई हैं। देखिए, ये आपके सामने लौंग है, देखिए ये लौंग है। देखिए, लौंग को आप गौर से देखें, जैसे दांत होता है, जैसे ये ऊपर दांत समझो और ये जड़ है, तो लौंग दांत के आकार की होती है, डाढ़ के आकार की लौंग होती है। देखिए, बिल्कुल डाढ़ के आकार की है, ऊपर डाढ़ है और ये नीचे जड़ है। यानी कि लौंग परम पिता परमात्मा ने दांतों को ठीक करने के लिए बनाई है। तो दांतों का कोई भी रोग हो, दांत दर्द हो, डाढ़ दर्द हो, मसूड़े फूलते हों, तो लौंग का तेल लगाएं, लौंग का काढ़ा पिएं, और किसी भी प्रकार का दांत का दर्द हो तो लौंग खाने से दूर होता है। और दोस्तों, लौंग दो प्रकार की होती हैं, काली लौंग और तथा हरी लौंग, लेकिन बाजार में काली लौंग ही मिलती है। तो रात को दो लौंग खाने से बहुत फायदे होते हैं, और लौंग खाने से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। और दोस्तों, पेट में कोई भी परेशानी हो, पेट दर्द हो, तो लौंग का पानी उबाल कर पिए तो पेट दर्द ठीक होता है। सिर दर्द में कोई भी परेशानी हो तो दो लौंग चाप करके गर्म पानी पिए, सिर दर्द ठीक होता है। और जिनको कब्ज रहती है, पेट साफ नहीं होता, लौंग को उबाल कर पिए तो कब्ज में लाभ मिलता है। और दोस्तों, लौंग हृदय रोग को मजबूत करती है। और मित्रों, जिनको स्वपन दोष की बीमारी है, नपुंसकता की बीमारी है, नामर्दी की बीमारी है, यानी पुरुषों के गुप्त रोगों को लौंग ठीक करती है, क्योंकि इसकी तासीर गर्म है। लेकिन महिलाएं लौंग कम खाएं, क्योंकि माहवारी के दिनों में खाने से हानि भी करेगी। लौंग में कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस भी होता है। और जिनको बार बार बुखार आता हो, नजला जुकाम रहता हो, लौंग को उबाल कर उसका काढ़ा पीने से ठीक होता है। जिनको थकान रहती है, कमजोरी रहती है, वो लौंग जरूर खाया करें। मित्रों, लौंग से एलोपैथी की दवाइयाँ भी बनाई जाती हैं। लौंग पित्त तथा कफनाशक होती है, और लौंग का मंजन करने से सर्दी ठीक हो जाती है। खाना खाने के बाद लौंग खाने से पाचन शक्ति बढ़ती है। उल्टी आने पर लौंग का पानी उबाल कर पिए, उल्टी बंद हो जाती है। लौंग रक्त शोधक होती है। और जिनको बार बार बुखार आता हो, वो लौंग खाएं तो विशेष लाभ मिलता है। तो दोस्तों, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय आयुर्वेद।